मसूरी पुलिस को मिली सफलता। 60 ग्राम हेरोइन के साथ एनडीपीसी एक्ट के तहत एक व्यक्ति को किया काबू, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,80,000 के करीब है। व्यक्ति पर पहले भी 4 केस है दर्ज। पंजाब में नशे चलते दरिया को ठल डालने के लिए पंजाब सरकार जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, जिसके चलते संगरूर के एसएसपी सुरेंद्र लांबा की रहनुमाई और धुरी के डीएसपी अगुवाई में थाना सदर को कामयाबी मिली, जिसमें 60 ग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शंभु नाम के व्यक्ति को धुरी की बाजीगर बस्ती से रेड के दौरान काबू किया गया है। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस द्वारा अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जिन पर शक होता है। थाना सदर धुरी के प्रभारी ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि एनडीपीसी एक्ट के तहत छापेमारी के दौरान पहले भी हमने 12 के करीब व्यक्तियों को पकड़ा है और अब हमने एक व्यक्ति को 60 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। कोके धुरी की बाजीगर बस्ती का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे चल रहे हैं। और भी खुलासे होने की उम्मीद है। धुरी से विकास वर्मा की रिपोर्ट।